समाजवादी सरकार होती तो लैपटॉप दोबारा मिल जाता, लेकिन हमारे बाबा मुख्यमंत्री कमाल के हैं, क्योंकि वो लैपटॉप चलाना नहीं जानते, इसलिए किसी को देना भी नहीं जानते। बताओ, इसीलिए तो नहीं मिला आपको लैपटॉप? कितने साथी हैं जिनके मोहल्ले में लैपटॉप पहुंचा हुआ है और आज भी चल रहा होगा हमारा दिया हुआ? इनमें बताओ, काम पे वोट मिलेगा कि नहीं मिलेगा? और अगर काम पर वोट नहीं मिला तो काम भी कोई नहीं करेगा। याद रखना, हम भी जातियां गिनेंगे, धर्म गिनेंगे, हम भी काम नहीं करेंगे, हम भी दूसरा रास्ता अपना लेंगे। बताओ, काम को तो नहीं भूल जाओगे? जिन्होंने मेक इन इंडिया का नारा दिया था, बताओ मेड इन चाइना या गाड़ी चल रही कि नहीं चल रही? ये जो मोटरसाइकिल बच्चे चल रहे हैं, ये बताओ मेड इन चाइना है कि नहीं है? तो मेक इन इंडिया इनका फेल हो गया, डिजिटल इंडिया फेल हो गया, स्टैंड अप इंडिया समझ में आया कि नहीं समझ में आया? क्यों, स्टैंड अप इंडिया नहीं समझ में आया आपको? बताओ, ऐसा नारा दिया जो हमें और आपको किसी को समझ में नहीं आया। और भारतीय जनता पार्टी के लोग बहुत कमाल के हैं, जिनसे अपना घोषणा पत्र पढ़वाते हैं, अगली बार उसकी टिकट कटवा देते हैं। तो इसलिए हम आपसे विशेष निवेदन करने आए हैं, हालांकि मीठी सेवई खिलाने वाले तो छोड़ के चले गए हमें, कोई आया उनके यहां सेवई खाने के नहीं आया? बताओ आप, वो वही थे जिन्होंने हमसे शर्त लगाई थी कि एक साल के अंदर बिजली घर नहीं बन सकता है, जो बिजली घर हमने यहां से हटा करके पीछे पहुंचाया। बताओ, 9 महीने में बना दिया था कि नहीं बना दिया था? और ये दुकानें बन जाती, कारोबार में हो जाता, तो न जाने कितने लोगों को और मौका मिल जाता रोजगार और काम करने का। यहां बाजार बन रहा था, ये पकौड़े बनाना चाहते हैं, लेकिन बताओ विदेशी तेल से पकौड़े बनाना चाहते हैं, अपने मित्र लोग जो बाहर से ला रहे हैं तेल, उस पकौड़े उस तेल से पकौड़ा बनाना चाहते हैं। ये काम रुक गया सब, लखनऊ की चीजें यहां दिखाई देती, लोग आते घूमते देखते, कारोबार होता, लेकिन सबका सब छीन लिया इन्होंने। अगर इन्होंने आपसे तरक्की और खुशहाली छीनी है तो बताओ इस बार इनके खिलाफ मतदान करोगे कि नहीं करोगे? इसलिए बहुत आपसे आखिरी में अपील करता हुआ एक बार फिर कि बहुत भरोसे के साथ और बहुत उम्मीद के साथ हम लोगों ने आपके बीच में पूनम सिन्हा जी को चुनाव लड़ाया है। शहर के लिए नहीं हो सकती हैं, लेकिन विचारधारा और राजनीति को वह समझती हैं। कम से कम एक महिला जो लड़ने जा रही है उसकी मदद हो और फैसला ऐसा हो कि देश देखे कि हाँ, लखनऊ के लोगों ने कोई नया प्रत्याशी चुन करके भेजा है, क्योंकि पुराने लोग फेल हो चुके हैं। ये कहते हैं कि नई सरकार बनाना चाहते हैं, भारत नया बनाना चाहते हैं। हम कहते हैं गठबंधन के लोग नया देश को प्रधानमंत्री देना चाहते हैं, नया प्रधानमंत्री बनेगा तब जाकर के हमारा देश नया बनेगा, क्योंकि पुराने प्रधानमंत्री ने तो कुछ काम किया नहीं, वो केवल प्रचार मंत्री बन के रह गए। देश को प्रचार मंत्री की जरूरत नहीं है, देश को एक प्रधानमंत्री की जरूरत है। इसलिए हम आपसे अपील करते हुए, क्योंकि बहुत सारे काम करने थे, ये जो शिल्प ग्राम बनाया था इसलिए बनाया था कि अपने तमाम लोग जिनके हाथों में हुनर है उनको मौका मिल जाए, उनको काम करने का, उनका कारोबार आगे बढ़ सके, लेकिन सबका सब रोक दिया। इसलिए काम रोकने वालों के खिलाफ मतदान करना है। और एक बार फिर हम आपसे विशेष अपील करते हैं कि साइकिल चुनाव चिन्ह मत भूलना। ये गठबंधन ऐसा है जो कोई कल्पना नहीं कर सकता था। इसी गठबंधन ने मुख्यमंत्री को हराया, उप मुख्यमंत्री को हराया, सब उपचुनाव जीत गए हम लोग। तो अब तो वोट के आपके पास भरमार है, इसलिए किसी से धोखा नहीं खाना है,
एक दल और है जो लड़ रहा है, उसके बारे में तो हम केवल एक ही बात कहेंगे। टीवी पर अगर स्टेटमेंट सुनाओ तो वो समझ जाओगे आप कि उधर उधर नहीं देखना है आपको, केवल साइकिल की तरफ देखना है। इसलिए साइकिल की मदद करो और पूनम सिन्हा जी को एक एक वोट डाल करके, इन्हें जिता करके लोकसभा में भेजने का काम करो। यही निवेदन हम आपसे करने आए। अपने सभी कार्यकर्ताओं का बहुत बहुत धन्यवाद, तमाम कार्यकर्ता जो पीछे खड़े हैं उनका भी धन्यवाद, जो छतों पे दिखाई दे रहे हैं उनका भी धन्यवाद, तमाम लोग जो कुछ देना चाहते हैं। आप तो लखनऊ के लोग हो, कभी बुला लेंगे आपको। पहले बूथ जिताइए फिर आकर के मिलिए। मैं सभी कार्यकर्ताओं का, सभी नेताओं का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, इस उम्मीद और इस भरोसे के साथ कि एक एक वोट समाजवादी पार्टी के पक्ष में, महागठबंधन के पक्ष में, जो बहुजन समाज पार्टी RLD और समाजवादी पार्टी का है, इस गठबंधन को जिताएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत 2 बजे कल